लेकिन जो शेर अफजल ने किया वो बाकी लोग नहीं कर पाए, दैट इज वाई मैंने उनकी तारीफ की। शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, एक्चुअली उनके गले कोई और चीज़ नहीं पड़ी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना सऊदी अरब वाला, ये उनके गले पड़ गया। जो सऊदी अरब के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये उनको नहीं देना चाहिए था, ना उनको पार्टी में से किसी ने कहा था कि ये स्टेटमेंट आप दें। अब ये पार्टी खुद ही इंक्वायरी कर ले कि उन्होंने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया और क्यों दे दिया। मे बी इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोग इस नतीजे पे पहुंचे हों, ये स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये हॉट वाटर्स में चले जाएंगे। आजकल उनके सितारे गर्दिश में हैं, तो मेरे ख्याल में जब सितारे गर्दिश में हों तो फिर थोड़ा सब्र करना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब से सब्र नहीं हो रहा। क्या शेर अफजल मरवत आज निकले मियाँ नवाज शरीफ के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले क्यों निकाल लिया था इमरान खान? बस बात आपने खुद ही जवाब दे दिया है। तो इट वाज नॉट शेर अफजल मरवत, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो निकल के बाहर आए, ये बहुत अच्छी बात थी। उस वक्त किसी को तो निकलना था, लेकिन वो क्यों लोग उनको देखें? उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है सब लोग ये भी कहते थे कि ये इमरान खान का सिर्फ वकील है, अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा। तो एक्चुअली शेर अफजल मरवत बिलोंग टू इमरान खान। लोगों ने कहा ये उनको मिलकर आता है, ये उनको देखकर आता है, उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर आता है, ये उनके अल्फाज बोलता है, तो दैट इज़ वाई ये सब कुछ हुआ। आप शेर अफजल मरवत साहब को कहें PMLN को खड़ा कर दें या पीपल्स पार्टी को खड़ा कर दें, तो क्या वो कर पाएंगे? तो अगर शेर अफजल मरवत ने मेहनत की है, जोर लगाया है, तो उनके पास पीछे सौदा भी ऐसा था जो बिक रहा था। उनकी रेडी के ऊपर जो सियासी रेडी पे जो सौदा पड़ा हुआ था इमरान खान का था, वो बिक रहा था। अगर उसी रेडी पे नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का सौदा रखें तो वो नहीं बिकेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि ही वाज अ गुड सेलमैन, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी उनको सब्र करना चाहिए थोड़ा। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना ही वाज अ गुड सेल्समैन। मैंने आपसे एक और बात भी की कि बहुत और लोग भी मिलकर आते हैं, लेकिन जो शेर अफजल ने किया वो बाकी लोग नहीं कर पाए, दैट इज़ वाई मैंने उनकी तारीफ की। तो लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि शेर अफजल मरवत साहब से गलती हो गई है, उन्होंने खुद उसका एतराफ़ भी किया है, तो अभी उनको ना खामोश रहना चाहिए थोड़ा। ये जो स्टेटमेंट दिया ना DGISPR ने, मुझे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही स्टेटमेंट पसंद आया कि जी हमने अड्डे नहीं दिए, नाम देने जा रहे हैं। दिस इज़ मी, मैं इमरान रियाज, यानी मैं इस बात में मानता ही नहीं कि मेरे मुल्क की सरजमीन को कोई और इस्तेमाल करे, या मेरे लोगों को मारा जाए, या मेरी ज़मीन को इस्तेमाल करके किसी और को मारा जाए। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं हमें बनना चाहिए, हमें अमन का हिस्सा बनना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। तो ये अच्छी बात है कि क्लैरिटी के साथ DGISPR ने कह दिया, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रहेगा। यार वो वाली नहीं हुई, वैसे तो खबरें आपके सामने ही हैं सारी, और जो डील के दावे थे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो नहीं हो रही। रात को नजम सेठी ने भी कंफर्म किया है, जो लोग सब पहले कह रहे थे कि डील हो रही है, कल आपने स्टेटमेंट सुन लिया, परसों ISPR का भी आपने देख लिया, गवर्नमेंट को भी आप, एक्चुअली गवर्नमेंट चाह रही है, और गवर्नमेंट चाह रही है किसी तरह इमरान खान जो है वो वाली बात मान ले जो इमरान खान नहीं मान रहा, और ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा। अब मेरे नहीं ख्याल के इदारों की इतनी ख्वाहिश है, होना तो ये चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के तहत जिन लोगों ने किया है ऐसी एक्टिविटीज, जलाओ घिराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग बेगुनाह हैं वो लोग बाइज्जत बरी हो जाने चाहिए, होना तो ये चाहिए उसूलन। इसके अंदर अब क्या, इस पर क्या डील की जा सकती है? अगर किसी ने कुछ किया है तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखें दो तीन इंकशाफ उनके बड़े अहम हैं, लेकिन फजलुर्रहमान की जो तकरीर थी वो अली अमीन की तकरीर से ज़्यादा इंटेंसिटी में ज़्यादा थी। फजलुर्रहमान ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए, बल्कि कुछ हकायक भी बताए हैं फजलुर्रहमान साहब ने। अब देखना यह है कि फजलुर्रहमान साहब के ख़िलाफ़ या उनकी जमात के ख़िलाफ़ वैसा क्रैकडाउन या एक्शन होता है जैसा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा है, देखना यह है, या इसका जो दायराकार है वो सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए महदूद रहेगा। अगर तो ये कहा जाता है कि ये बातें गैर मुनासिब हैं जो की जा रही हैं, तो फिर तो फजलुर्रहमान साहब ने सारी लिमिट्स क्रॉस की है। हालांकि बातें उनकी जो है उनके हकायक को आप झुटला नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ऐसी बातें करना अलाउ नहीं किया जाता। अली अमीन गंडापुर की दो बातें मुझे बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने वो किया। एक तो देखें, मैंने 2021 में एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इमरान खान साहब को मुश्किल का सामना है और उनके ऊपर एक दबाव है, और उनमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, और उनको ये दबाव डाला जाता था। उस दौर में मीडिया के कुछ लोगों को कुछ दफातर में बुला के, बड़े दफातर में बुला के उन्हें भी कहा जाता था कि आप इसके ऊपर डिबेट शुरू करवाएं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, ताकि कोई बातचीत तो शुरू हो ना। तो वो दौर में ये बातें होती थी। अली अमीन गंडापुर ने कल जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, और अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि वो ये कहते थे इमरान खान साहब को कि इसराइल को तस्लीम कर ले, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। दूसरी जो
ये जो 6 महीने वाली एक्सटेंशन है ना, ये मैंने इससे पहले ये बात ऐसा सुनी नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहे थे, और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की है, PMLN के सेनेटर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने यहाँ तक कहा था कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब का इंकशाफ था, ये ज़्यादा खौफनाक था। लेकिन ये जो 6 माह वाली एक्सटेंशन है, इसका हमें नहीं पता कि उस वक्त जब तहरीक आदम एतमाद आई थी 8 मार्च 2022 को, उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा हो कि आप 6 माह की एक्सटेंशन दें तो मैं ये जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, अदम एतमाद को ख़त्म करवा देता हूँ। ये वाली ऑफर का कल अली अमीन गंडापुर ने बताया, और वो ये कह रहे हैं कि ये परवेज़ खट्टक हमारे साथ चले और चल के खाना काबा में बात करें। तो ये एक अलग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नहीं इसको देखें अब इसके ऊपर किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के सारे तजर्बे नाकाम हो गए हैं, अब कर करा के उन्होंने ये गवर्नमेंट ले ली है। या तो नवाज शरीफ अपोजिशन कर सकते हैं या हुकूमत कर सकते हैं, या वो अपोजिशन करेंगे या वो हुकूमत करेंगे, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं मियाँ साहब ना। और अगर उन्होंने अपनी मकबूलियत और अपनी सियासत को बचाना है तो फिर उनको जो है वो स्टांस लेना पड़ेगा, पोजीशन बनानी पड़ेगी, एक बयानिया उनके पास होना चाहिए, लेकिन मियाँ साहब के पास वो है नहीं फ़िलहाल, ना उनके पास कोई बयानिया है, ना वो कोई पोजीशन बना पा रहे हैं, ना वो मुजामत कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ उनके पास एक हुकूमत है, पंजाब में उनकी बेटी है, वफाक में उनका भाई है, तो ये दोनों मिलकर अब जैसे भी चला लें, ये जितना अरसा ये कर सकते हैं इसको कर लें। मियाँ साहब को भी नज़र आ रहा है, अब देखना ये है कि मियाँ साहब अपनी कौन सी हुकूमत कुर्बान करके तो मुजामती बयानियाँ बनाएंगे, अदरवाइज़ जिस इस वक्त उनकी जो सियासत है ना। अब मैं आपको सीरियसली ये बता देता हूँ कि कल लिबर्टी चौक से मुझे अनस गुंदल आप ही के साथी हैं, उन्होंने मुझे कल बताया कि 12 लोग हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी से और 40+43 या समथिंग वो कह रहे थे, इतने लोग जो है मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे हुए थे कल इतने बड़े दिन पे 9 मई पे, वो कह रहे थे ये टोटल वहाँ पे एहतजाज था, ये PMLN की इस वक्त सिचुएशन है। तो इसमें मियाँ साहब की मकबूलियत या मियाँ साहब का बयानिया वो तो कहीं खड़ा ही नहीं है। जो बयानिया मियाँ साहब ने बनाया था उसके ऊपर बिल्कुल 180 का शिफ्ट मार के मियाँ साहब दूसरी तरफ निकल लिए। गवर्नमेंट चाह रही है और गवर्नमेंट चाह रही है किसी तरह इमरान खान जो है वो वाली बात मान ले जो इमरान खान नहीं मान रहा, और ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा। मेरे नहीं ख्याल के इदारों की इतनी ख्वाहिश है, होना तो ये चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के तहत जिन लोगों ने किया है ऐसी एक्टिविटीज़ चलाओ घिराओ उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग बेगुनाह हैं वो लोग बाइज्जत बरी हो जाने चाहिए, होना तो ये चाहिए उसूलन। इसके अंदर अब क्या इस पर क्या डील की जा सकती है, अगर किसी ने कुछ किया है तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखें, 2-3 इंकशाफ उनके बड़े अहम हैं, लेकिन फजलुर्रहमान की जो तकरीर थी वो अली अमीन की तकरीर से ज़्यादा इंटेंसिटी में ज़्यादा थी। फजलुर्रहमान ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए, बल्कि कुछ हकायक भी बताए फजलुर्रहमान साहब ने। अब देखना ये है कि फजलुर्रहमान साहब के ख़िलाफ़ या उनकी जमात के खिलाफ वैसा क्रैकडाउन या एक्शन होता है जैसा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, देखना ये है, या इसका जो दायराकार है वो सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए महदूद रहेगा। अगर तो ये कहा जाता है कि ये बातें गैर मुनासिब है जो की जा रही हैं, तो फिर तो फजलुर्रहमान साहब ने सारी लिमिट्स क्रॉस की हैं। हालांकि बातें उनकी जो है उनके हकायक को आप झुठला नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ऐसी बातें करना अलाउ नहीं किया जाता। अली अमीन गंडापुर की दो बातें मुझे बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने वो किया, एक तो देखें मैंने 2021 में एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इमरान खान साहब को मुश्किल का सामना है और उनके ऊपर एक दबाव है, और उनमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, और उनको ये दबाव डाला जाता था। उस दौर में मीडिया के कुछ लोगों को कुछ दफातर में बुला के, बड़े दफातर में बुला के उन्हें भी कहा जाता था कि आप इसके ऊपर डिबेट शुरू करवाएं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, ताकि कोई बातचीत तो शुरू हो ना। तो वो दौर में ये बातें होती थी। अली अमीन गंडापुर ने कल जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, और अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि वो ये कहते थे इमरान खान साहब को कि इसराइल को तस्लीम कर लें, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। दूसरी जो ये जो 6 महीने वाली एक्सटेंशन है ना, ये मैंने इससे पहले ये बात ऐसा सुनी नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहे थे, और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की है, PMLN के सेनेटर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने यहाँ तक कहा था कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब का इंकशाफ था, ये ज़्यादा खौफनाक था। लेकिन ये जो 6 माह वाली एक्सटेंशन है, इसका हमें नहीं पता कि उस वक्त जब तहरीक आदम एतमाद आई थी 8 मार्च 2022 को, उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा हो कि आप 6 माह की एक्सटेंशन दें तो मैं ये जो है इसको
ख़त्म कर देता हूँ, अदम एतमाद को ख़त्म करवा देता हूँ। ये वाली ऑफर का कल अली अमीन गंडापुर ने बताया, और वो ये कह रहे हैं कि ये परवेज़ खट्टक हमारे साथ चले और चल के खाना काबा में बात करें, तो ये एक अलग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नई, और देखें अब इसके ऊपर किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। देखिए नवाज शरीफ साहब के सारे तजर्बे नाकाम हो गए हैं, अब कर करा के उन्होंने ये गवर्नमेंट ले ली है, या तो नवाज शरीफ अपोजिशन कर सकते हैं या हुकूमत कर सकते हैं, या वो अपोजिशन करेंगे या वो हुकूमत करेंगे, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं मियाँ साहब ना। और अगर उन्होंने अपनी मकबूलियत और अपनी सियासत को बचाना है तो फिर उनको जो है वो स्टांस लेना पड़ेगा, पोजीशन बनानी पड़ेगी, बयानिया उनके पास होना चाहिए, लेकिन मियाँ साहब के पास वो है नहीं फिलहाल, ना उनके पास कोई बयानिया है, ना वो कोई पोजीशन बना पा रहे हैं, ना वो मुजामत कर पा रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ उनके पास एक हुकूमत है, पंजाब में उनकी बेटी है, वफाक में उनका भाई है, तो ये दोनों मिलकर अब जैसे भी चला लें, ये जितना अरसा ये कर सकते हैं इसको कर लें, मियाँ साहब को भी नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि मियाँ साहब अपनी कौन सी हुकूमत कुर्बान करके तो मुजामती बयानियाँ बनाएंगे, अदरवाइज़ जिस इस वक्त उनकी जो सियासत है ना, अब मैं आपको सीरियसली ये बता देता हूँ कि कल लिबर्टी चौक से मुझे अनस गुंदल आप ही के साथी हैं, उन्होंने मुझे कल बताया कि 12 लोग हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से और 40+43 या समथिंग वो कह रहे थे, इतने लोग जो है मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे हुए थे कल इतने बड़े दिन पे 9 मई पे, वो कह रहे थे ये टोटल वहाँ पे एहतजाज था, ये PMLN की इस वक्त सिचुएशन है। तो इसमें मियाँ साहब की मकबूलियत या मियाँ साहब का बयानिया वो तो कहीं खड़ा ही नहीं है, जो बयानिया मियाँ साहब ने बनाया था उसके ऊपर बिल्कुल 180 का शिफ्ट मार के मियाँ साहब दूसरी तरफ निकल लिए। देखिए जो मुझे समझ आ रही है ना कि एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना होता है, दोनों साइड्स जो हैं वो मैक्सिमस पोजीशन पे चली गई हैं, यानी जब भी कभी टेबल पे बैठने का वक्त आता है ना तो दोनों साइड्स कोशिश करती हैं कि वो उस पोजीशन पे खड़ी हों जहाँ से अगर वो नीचे भी आएँ तो उनको ज़्यादा छोड़ना ना पड़े, ज़्यादा लूज ना करना पड़े, अल्टीमेटली तो बैठना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली तो रियासत को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ रियासत को बैठना पड़ेगा, दे आर पार्ट ऑफ इट। देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो इस वक्त सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है, और अगर आप उन्हें खुला छोड़ें तो वो पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लेने की ताकत रखती है, इतनी बड़ी सियासी जमात है इस वक्त, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ बातचीत किए बगैर गुजारा होगा। अच्छा ये कितनी देर में होगी ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर अभी ये डिबेटेबल है, दूसरा किन शरायत पे होगी ये भी डिबेटेबल है लेकिन अब ये कि ओपनली आके इमरान खान माफ़ी मांगेगा ये दिखाई नहीं दे रहा, ये हमेशा ऐसे ही होता है। देखिए अगर आप ये नवाज शरीफ के फार्मूले को अपने जहन में रख के आप इमरान खान को डिसाइड करेंगे तो होगा नहीं होगा, वो डिफरेंट आदमी है और उसको अलग तरह आपको स्टडी करना पड़ेगा। इमरान खान इज़ अ स्टडी केस, यानी लोग उसको स्टडी कर रहे हैं कि इसने कैसे इलेक्शन लड़ा अंदर से बैठ के, वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने एक नई मुजामत की तहरीक कैसे बनाई, वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने कैसे इतने बड़ी तादाद में लोगों को अपने पीछे लगा लिया, लोग स्टडी कर रहे हैं कि बयानियाँ बनाने में वो आदमी किस तरह इतनी महारत रखता है कि सब उसके बयानिए पे इत्तफाक करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हो रही है इस मुल्क में, और सोशल मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल है ये खुद एक बहुत बड़ी स्टडी है। या तो पूरे मुल्क में सारा सोशल मीडिया बंद हो जाए, हम जहाँ पर बादशाहत है जिन मुल्कों में उस तरह कंट्रोल कर लें, या हम चाइना की तरह चले जाएँ जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है जिन मुल्कों में, या उस तरह हम सारा कंट्रोल कर लें सिस्टम, तो हो सकता है कि इमरान खान को घटाया जा सके या उसको स्क्वीज़ किया जा सके, लेकिन मुश्किल है। देखिए दो चीज़ों पे डिपेंड करता है इमरान खान की रिहाई, एक तो इमरान खान पे खुद पे करता है पहले कि वो कब बाहर आना चाहते हैं, जब वो बाहर आना चाहेंगे तो फिर उसके मुताबिक वो इकदाम करेंगे तो वो बाहर भी आ जाएंगे। दूसरा डिपेंड करता है कि इंटरनेशनली चीज़ें किस तरफ जाती हैं, और तीसरा जो है वो एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी अदलिया है, अगर अदलिया अपनी स्पेस वापस गेन कर लेती है, जैसे केसेस चल रहे हैं वहाँ सामने सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब दो केसेस कंटेम्प्ट के लगे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये आप ये समझे हिस्ट्री बन रही है और ये बहुत 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 अहम है। तो अगर ये अदलिया अपनी स्पेस गेन करती है और यहाँ पर इमरान खान को कुछ रिलीफ मिलता है तो उसमें भी बाहर आ सकते हैं।